हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में एक GUI जो कि टीके एंटर मॉड्यूल से बनता है। आइए देखते हैं। टीके एंटर के मदद से हम लोग स्टॉपवॉच बनाने वाले, तो मैंने कोड पहले से करके रखा है। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ। आइडियली में ओपन करते हैं और एक बार मैं आपको आउटपुट फिर से दिखा देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए कि कितने मिनट सेकेंड्स या आर हुए हैं। एक स्टार्ट बटन चाहिए, उसको क्लिक करते ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप वॉच चालू होना चाहिए। फिर स्टॉप करने पर स्टॉप होना चाहिए और फिर से स्टार्ट करने पर वहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए, और जब आप रीसेट दबाओ वो वापस 00 पे रीसेट हो जाइए। तो काफी सिंपल है, आइए इसका कोड समझते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड है, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार मतलब वो टीके एंटर की सारे मॉड्यूल्स को, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेगा हमारे प्रोग्राम में। फिर यहाँ पे मैंने ग्लोबल काउंट और काउंट जीरो, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखते कि मैंने किया क्या। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम मैंने ऐप दिया हुआ है, और फिर लास्ट में मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, और उसमें मैंने इस ऐप क्लास को कॉल किया है। मतलब जो भी फंक्शन, जो भी मेथड हमने लिखना है और जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, बटन यूज़ कर रहे हैं, वो सब इस ऐप क्लास के अंदर मैंने लिखा है। तो पहले GUI समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। आप पाइथन में फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको डेफ यूज़ करना है। मैंने नाम दिया है _init_self। मैंने उसमें एक पैरामीटर पास किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सेल्फ मैंने क्यों लिया है। फिर पहला है कि self.root=TK। फिर self.root.title, तो जो स्टॉप वॉच पर आप टाइटल देखेंगे वहाँ पर स्टॉप वॉच लिख के आ रहा है, वो इसके मदद से आ रहा है। फिर कॉन्फिग मतलब जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमें देना है, तो ये जो आप डार्क येलो कलर देख रहे हो वो इस लाइन की वजह से है। फिर ज्योमेट्री मतलब वो कितना बड़ा चौड़ा होना चाहिए, तो 600x500 है, काफ़ी छोटा है। एक और बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 600x500 है, पीछे बैकग्राउंड में येलो कलर है और ऊपर यहाँ पे स्टॉप वॉच है। root.resizable false, तो आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते। देखिए आप इसको बड़ा छोटा मैक्सिमस मिनिमाइज भी नहीं कर पा रहे, और साइड से हम इसे बड़ा छोटा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये दोनों वैल्यू मैंने फॉल्स रखी। आप ट्रू कर देंगे तो आप कर पाएंगे। फिर यहाँ पे self.t=stringVar, तो stringVar क्यों यूज़ किया है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ऊपर हमने काफ़ी अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ किए हुए हैं। फिर यहाँ पे self.t.set, तो पहले इनिशियली सब 00 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आप देख रहे हैं और यहाँ आउटपुट में भी आप देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लेबल लिया है, और लेबल पे पहले रूट डालना पड़ता है। तो हमारा रूट वैल्यू है self.root, क्योंकि उसी रूट पे सारी चीज़ हम प्लेस करेंगे, हमारा बटन, हमारा टेक्स्ट वेरिएबल। तो टेक्स्ट वेरिएबल मतलब जो चीज़ आपको उधर डिस्प्ले करनी है, एक्स टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे ये डिस्प्ले किया है self.t। तो self.t में क्या है ये हमने डिस्प्ले किया है 000, तो वो टेक्स्ट वेरिएबल में हमने किया है। तो टेक्स्ट वेरिएबल में अगर हम self.t को कॉल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी या तो कैरेक्टर होना चाहिए या तो स्ट्रिंग होना चाहिए। इसी के लिए इस लाइन में self.t में हमने stringVar को कॉल किया है। तो होप आपको ये समझ गया होगा, और आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 000 है, और उसका कलर कैसे चेंज हुआ वो नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने self.lb वेरिएबल यूज़ किया है। तो ज़रूरी नहीं आप भी self.lb, आप अपने मन का भी वेरिएबल ए दे सकते हैं, बी, सी, कोई छोटे वेरिएबल्स दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि उसे कॉन्फिग किया है, तो उसमें जो फॉन्ट है मैंने वो यूज़ किया है, फॉन्ट फैमिली, उसका साइज़, और वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। फिर ये होता है कि फॉन्ट कलर, तो उसमें येलो में आप देख रहे हैं कि लिख के आ रहा है। बैकग्राउंड कलर है इसका डीप स्काई ब्लू, और फिर उसे बॉर्डर दिया है 10 pixels का। तो उसको आउटपुट में हम देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं सिंपल। तो ये कॉन्फिग की वजह से हो रहा है, आप कॉन्फिग यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर आपको कोई एक इंडिविजुअल चीज़ आपको एडिट करनी हो तो टीके एंटर में इन पाइथन। फिर नेक्स्ट है 3 बटन, तो मैं एक बटन एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सब सेम ही है। तो सेम है कि पहले हमें रूट वैल्यू बताना रहता है कि बटन को कहाँ प्लेस करना है, और यहाँ बटन का बी कैपिटल होना चाहिए, आपको ध्यान देना है।
फिर नेक्स्ट है उस पर क्या लिखा होना चाहिए टेक्स्ट, तो उस पर स्टार्ट स्टॉप रीसेट तीनों पे लिखा हुआ है। कमांड ये फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है कि बटन प्रेस होने पे क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो बटन प्रेस होने पे जो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए उस चीज़ को ठीक है एंटर में बटन में बाय कमांड कॉल करते हैं। तो कमांड इक्वल्स टू और आपका फंक्शन का नाम। फिर सेम है कि फॉन्ट आपका फैमिली क्या होगा, वो बोल्ड होगा कि इटैलिक होगा, अंडरलाइन उसका साइज, और एफ जी येल्लो, बैकग्राउंड कलर डीप स्काई ब्लू, और लास्ट में मैंने एक और चीज़ यूज़ किया है बॉर्डर के बाद हाईलाइट्स, यहाँ पे हाईलाइट कलर के बाद भी मैंने यूज़ किया है एक रिलीफ, आपको वहाँ पे रेस्ट करके दिखेगा, रेस करके, ये रेस मतलब बटन थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। इसमें और दो टाइप होते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे तो बटन थोड़े हल्के से उठे हुए नीचे से दिख रहे हैं। तो तीनों बटन पे सेम ही चीज़ अप्लाई किया हुआ है हमने, और फिर आगे देखते हैं कि इन्हें लोकेट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया है लोकेट करने के लिए, प्लेस होता है, ग्रिड होता है और पैक होता है, तो यहाँ पे मैंने प्लेस यूज़ किया है। इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें देने रहते हैं, तो हमने यहाँ पे लेबल को प्लेस किया है, एल बी देख सकते हैं लेबल है उसके अंदर, फिर बटन वन बटन टू बटन थ्री को प्लेस किया है। तो ये था पूरा कंप्लीट जीयूआई के ऊपर। अब देखते हैं कि ये तीन जो कमांड है जो हमने कॉल किए हैं ये कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे हमारा जीयूआई स्टार्ट रीसेट और स्टॉप पे काम कर रहा है। तो चलते हैं सबसे ऊपर, पहले जो यहाँ पे रीसेट है, तो रीसेट ऑब्वियसली रीसेट दबाने से सब कुछ जीरो जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले ग्लोबली एक काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसे ज़ीरो रखा है, क्योंकि ये हमारे उसमें फ्लैग जैसा काम कर रहा है कि फ्लैग ज़ीरो होगा तो ये, अगर फ्लैग वन हो गया तो फिर वो मैं आपको कोडिंग के द्वारा एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये रीसेट दबेगा तो सब कुछ ज़ीरो 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 हो जाएगा, और रीसेट का वही काम ही है। फिर नेक्स्ट है स्टार्ट, जब स्टार्ट दबाएंगे तो क्या होना चाहिए, तो सेल्फ, हर बार हम सेल्फ को क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ भी वेरिएबल में हमारा सब कुछ है, इसी के लिए मैं हर जगह सेल्फ डॉट और सेल्फ में ही कर रहा हूँ। आप चाहिए तो आप बिना वेरिएबल या पैरामीटर इसे एम्प्टी रख सकते हैं, तो ये विदाउट पैरामीटर होगा, इसमें पैरामीटर है तो ये एक पैरामीटराइज फंक्शन भी हुआ, क्योंकि ये डेफ में है तो ये एक ऑब्वियसली फंक्शन है विद पैरेंथेसिस एंड अ पैरामीटर इनसाइड और कोलन, तो इस तरह पाइथन में हम लोग फंक्शन ये करते हैं। फिर ग्लोबली ऑब्वियस काउंट, क्योंकि हर बार यहाँ पे सिर्फ ग्लोबली काउंट लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन फिर नहीं पहचानता, तो हर उसमें आपको ग्लोबली लिखना है ताकि आपको एरर ना आए। फिर काउंट ज़ीरो, और फिर सेल डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर टाइमर, तो ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ ठीक नीचे, तो जब आप स्टार्ट प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो करेगा हमारे काउंट को, और फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा, और उस फंक्शन में हमने क्या लिखा है कि सेल्फ डॉट टाइमर। तो सेल्फ डॉट टाइमर आप देखेंगे तो वो एक और नीचे फंक्शन है, वो दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, और उस फंक्शन में क्या होगा कि हर बार सेकेंड्स प्लस वन बढ़ेगा, क्योंकि हर बार आप जब स्टार्ट दबाओगे तो फिर वो ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो फिर वन सेकेंड ज़ीरो 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 टू सेकेंड्स ऐसे बढ़ेगा। पर जब आप स्टॉप दबाते हो, यहाँ पे मैंने स्टॉप फंक्शन भी लिखा हुआ है, जब आप स्टॉप दबाते हो तो समझो कि आपका 5 सेकेंड पे स्टॉप वॉच रुक गया है, फिर आप जब वापस स्टार्ट दबा तो जीरो से ना स्टार्ट होके 5 सेकेंड से ही कंटिन्यू होना चाहिए, उसके लिए हमने ये टाइम फंक्शन में पूरा कोड करके रखा है। तो होप आपको ये पूरा समझ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, ये फ्लैग यूज़ किया हमने खाली कि कब प्रेस होने पे कब क्या कॉल होना चाहिए, जो मेन है वो यहाँ पे है इस टाइमर फंक्शन के अंदर। तो आइए इस टाइमर फंक्शन को समझते हैं। अब टाइमर फंक्शन में भी सेम ऑफिस हमने काउंट को ग्लोबल किया है, फिर इफ़ काउंट इक्वल इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब अगर काउंट ज़ीरो रहा, जैसे हमने ऊपर उसके वैल्यू 0101 किया है, तो कब ज़ीरो होगा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए और वन होगा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो अगर वो ज़ीरो है तो सेल्फ डॉट डी, ऑब्वियस हमने एक नया वेरिएबल लिया डी, सेल्फ डॉट डी इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैं अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ किया हूँ, कहीं पे स्ट्रिंग कहीं पे इंटीजर, तो वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा क्यों। तो सेल्फ डॉट टी डॉट गेट, इसका मतलब ये है कि वो खुद को ही लेके आएगा, सेल्फ डॉट टी डॉट गेट, तो ये गेट फंक्शन किसी को लेके आएगा, पर वो किसको लेके आने वाला है, तो वो खुद टाइमर को इटसेल्फ को लेके आएगा, इसी के लिए यहाँ पे सेल्फ डॉट टी डॉट गेट लिखा हुआ है। तो फिर लेके आने के बाद क्या होगा, तो हमने एक नए वेरिएबल सी किए हैं एच एम एस, वो आवर्स मिनट और सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप। तो मैप यहाँ पे एक पाइथन का ठीक है एंटर का एक और फंक्शन है, जो उसका काम है कि इफ कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम पाइथन में बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं,
और फिर कभी कभार माउस क्लिक पे या कीबोर्ड से वो काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। तो मैप फंक्शन क्या करता है कि उन्हें सेपरेटली इंडिविजुअल वर्क करने के लिए और फंक्शन करने के लिए उन्हें हेल्प करता है। तो उसके अंदर हमने क्या लिया है, हमने पहले इंट एक डेटा टाइप पास किया है इंट, और फिर सेल डॉट डी जो यहाँ पे है उसे हमने स्प्लिट किया है कैसे, कोलन से। तो इंट पहले हमने किया है और फिर उन इंटीजर्स की, उसके अंदर हमें तीन इंटीजर्स होंगे ना, नंबर्स ऑब्वियसली तो वो इंटीजर्स होंगे, तो हमें इस सेल डॉट डी में वो जिसको लेके आएगा वो ऑब्वियसली टाइमर को लेके आने वाला है। तो जो टाइमर को लेके आएगा उसे पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जो इस डी के अंदर स्टोर है, और फिर उस डी को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं बिकॉज इंटीजर वैल्यू को स्प्लिट नहीं किया जा सकता कोलन से, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को किया जा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ इंटीजर लिखा क्यों है, क्योंकि हमें हर बार टाइमर को एक से बढ़ाना है, मतलब एक सेकेंड से वो हर बार बढ़ना चाहिए, तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज को प्लस वन नहीं कर सकते हो, इसी के लिए हमें उसे इंटीजर में भी रखना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है पर आप समझेंगे तो समझेगा। तो यहाँ पे वो एच पहले तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में, मतलब वो कैरेक्टर है, पाइथन जो भी चीज़ अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसको बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग रखता है। तो पहले उसे हमें टाइप कन्वर्जन करके इंटीजर करना पड़ा तीनों को। अब नीचे की कंडीशन है इफ एस इज लेस देन 59, मतलब सेकेंड्स 59 से कम है तो हर बार प्लस वन करना है, यही मैं बढ़ाने की बात कर रहा था। अगर वो 00 है तो 00 59 से कम है, हाँ वो कम है तो फिर वन होगा, फिर अभी 1 है, 159 से कम है तो हाँ वो कम है तो फिर 1 ऐड होगा तो वो 2 होगा। ऐसे वो कब तक चलेगा, जब तक 58 हो, तो 58 भी 59 से कम है तो प्लस 1 होगा। अब 59 इज लेस देन 59, नहीं 59 इज इक्वल टू 59, तो वो एस 0 हो जाना चाहिए। एस 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब 59 सेकेंड्स में आप 1 ऐड करोगे तो वो 1 मिनट होता है, तो वो मिनट में 1 आना चाहिए लेकिन सेकेंड्स में तो 0 होना चाहिए। तो इस लाइन जो चार लाइन हम देख रहे हैं ये सिर्फ सेकेंड्स पे था, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिनट के लिए करनी है। सेम अगर मिनट 0 है 59 से कम है तो प्लस 1 होगा, पर अगर मिनट इक्वल इक्वल्स टू 59 और उसमें अगर अभी हमने और एक मिनट जोड़ दिया तो आर में एक प्लस होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ ही गया होगा कि कैसे वो आर और सेकेंड्स एक एक प्लस हो रहे हैं और क्यों मुझे वो इंटीजर्स में चाहिए थे, क्योंकि हमें उसमें प्लस वन करना है, आप स्ट्रिंग में प्लस वन नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है इफ आर इज लेस देन 10, तो उसे हमें स्ट्रिंग में 0 प्लस स्ट्रिंग। तो इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि मैं आउटपुट में आपको दिखाता हूँ कि ये टेक्स्ट वेरिएबल है पहली बात, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही है। और कैसा है कि ये आर अगर लेस देन 10 है, मतलब यहाँ पे 10 कैसा होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा तो जाके ये 10 होगा, पर अगर वो उससे कम है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले 0 होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, प्लस यहाँ पे अगर 8 है 7 है 6 है 10 से कम है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसी के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है str 0 प्लस str r, मतलब 1 आर हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 09 हो सकता है, पर अगर जैसे ही वो 9 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन से बाहर आ जाएगा, तो एल्स वाला पार्ट ये होगा कि h इक्वल्स टू str, मतलब उस पूरे उसमें क्या आ जाएगा, ये पूरा एच ही है उसमें क्या आ जाएगा 10 11 12 13, क्योंकि ये सब अब 10 से छोटे नहीं 10 से बड़े हैं। तो सेम कंडीशन वही मिनट के लिए हो रहा है और सेकेंड्स के लिए भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो प्लेसेस देखने हैं, यूनिट और टेन, आप समझ सकते हो ये यूनिट हुआ ये टेंस प्लेस हुआ, तो लेस देन मतलब 10 मतलब वो यूनिट प्लेस में ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं अगर आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो। और फिर नेक्स्ट है एल्स पार्ट में सेल्फ डॉट डी इक्वल्स टू एच प्लस कोलन एम प्लस कोलन प्लस, तो ये कोलन डालने के लिए सब स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेल डॉट टी डॉट सेट सेल डॉट डी, मतलब टी डॉट सेट मतलब जो फाइनली जो टाइम डिस्प्ले होगा वो सेल डॉट डी में स्टोर है, यहाँ पे देख सकते हैं डी सेल डॉट डी में हमारा लास्ट फाइनल वैल्यू स्टोर है, उसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और इफ काउंट इक्वल इक्वल टू 0 तो ये वाला पार्ट प्ले होगा, ये वाला पार्ट का सिंपली ये मतलब है कि जब आप स्टॉप दबाएंगे तो टाइम वहाँ पे स्टॉप होगा, और स्टार्ट दबाएंगे तो वो वापस वहीं से कंटिन्यू होगा, ना कि रीसेट हो जाएगा। और ये 9:30 आप देख रहे हैं, तो ये 9:30 मतलब उस एक एक सेकेंड जो इंक्रीज हो रहा है उसका स्पीड है, अगर आपने इसे कम किया तो आपका सेकेंड्स काफ़ी स्पीड जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, तो 3 देने से क्या होता है हम देखते हैं, यहाँ पे मैं 3 देता हूँ और हम एग्जीक्यूट करते हैं और मैं यहाँ स्टार्ट दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टाइमर कितना फास्ट जा रहा है, और एक्चुअली एक सेकेंड इतना फास्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे 9:30 कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी वो 9:30 कैलकुलेटेड वैल्यू ही यूज करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल ये 9:30 मिली सेकेंड्स है, तो 9:30 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू
1 सेकेंड से यहाँ पे वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअल सेकेंड्स के हिसाब से जा रहा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट स्टॉपवॉच और जीयूआई ऑन टीके एंटर इन पाइथन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।